मोस्ट वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एमपीएस नुयावाली। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स का एक टॉपिक लेके आई। लास्ट वीडियोस जो फिजिक्स की थी उसमें आपने देखा कि हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। वहां भी मैंने आपको बताया था कि अभी इसके टू केस पढ़े हैं हमने, अभी इसका एक केस बाकी है। तो वो थर्ड केस आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो वो थर्ड केस पढ़ने से पहले जो लास्ट वीडियोस में हमने टू केस पढ़े हैं उसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या पढ़ा था हमने, क्योंकि वो ये इस थर्ड केस का बेसिक है। वो समझ में आएगा, वो दोनों केस आपको समझ में आए तभी आप ये केस थर्ड जो है वो समझ सकते हैं। तो वो टू केस का बेसिक हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या था। तो क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक्सियल लाइन पे कोई भी पॉइंट P लिया था हमने, उस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी थी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, वो हमने कैलकुलेट किया। सबसे पहले एक चीज समझो आप कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वो हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव टू पॉजिटिव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, ए टू बी होगा, ये इसकी डायरेक्शन होगी ऐसे। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो आपके पास डायरेक्शन आई थी वो भी इसी साइड आई थी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डाइपोल मोमेंट थी ऑन एक्सियल लाइन पे। एंड इसका मैग्नीट्यूड क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड क्या था, 2kp/x³, जहां पे k डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, p डाइपोल मोमेंट हो गया, x क्या हो गया, x इलेक्ट्रिक डाइपोल के सेंटर से पॉइंट p की जो डिस्टेंस है यानी कि op, वो क्या है, x आपका, ठीक है। सेकंड जो केस हमने पढ़ा था वो था ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन केस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। वहां पे हमने एक पॉइंट p लिया था। अब इस पॉइंट p पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमने देखी थी, कितनी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, kp/x³, ये तो इसका मैग्नीट्यूड। एंड कितनी आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये तो आपको पता लग गया, एंड किस साइड आई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमने देखी। तो डायपोल मोमेंट अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है, लेकिन इसमें हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो देखी थी वो इस साइड आई थी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आई थी, यानी कि डायपोल मोमेंट ए टू बी है। एंड ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ये कौन सी डायरेक्शन में आई, डायपोल मोमेंट के अपोजिट आई। ऑन एक्सियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग द डायपोल मोमेंट थी, एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो थी वो अपोजिट टू डायपोल मोमेंट थी, एंड इसका मैग्नीट्यूड kp/x³। तो ये बेसिक है आपके थर्ड टॉपिक का। आज का जो आपका टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, ये जो पॉइंट आपने लेना है वो ना एक्सियल लाइन पे होना चाहिए ना ही इक्वेटोरियल लाइन पे, क्योंकि वो दोनों पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे पी ले लिया, ना ये इक्वेटोरियल लाइन पे ना ही एक्सियल लाइन पे, यहाँ पे मैंने पॉइंट पी लिया। ये जो पॉइंट पी है वो ये जो हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल लिया ए बी, इसके सेंटर के साथ एंगल थीटा बनता है। यानी कि क्या लिखना आपने कि कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल AB एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया ऑफ स्मॉल लेंथ कितनी होती है, पहले भी हम देख चुके हैं लेंथ हमेशा कितनी लेते हैं, हम 2L लेते हैं, ठीक है। लेट P बी ए पॉइंट सच दैट OP इज इक्वल टू X। सबसे पहले तो ये जो OP डिस्टेंस हमने लेट किया वो कितने लेट किए, x लेट किए। सेकंड एंड एंगल POB वो हमने थीटा लेट किए, एंगल POB थीटा हमने लेट किए, ठीक है। ऐसे हमने ये पॉइंट P जो हो लेट किए। देखो इस AB इलेक्ट्रिक डायपोल की जो डायपोल मोमेंट है P वो नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि डायपोल मोमेंट इसका ये है P, हमने पॉइंट कोई भी ले लिया। अब देखो जस्ट सपोज कि इस डायपोल को एंगल थीटा से रोटेट किया जाए,
इस डायपोल को, ये डायपोल था ए भी आपके पास, इसको एंगल थीटा से रोटेट किया तो ये बन गया ए वन बी वन, ए वन बी वन डायपोल बन गया। ए वन बी वन डायपोल के लिए पी पॉइंट क्या बन गया? ऑन एक्सियल लाइन। ए वन बी वन डायपोल लिए तो पी पॉइंट कहाँ पे आ गया? ऑन एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल। एंड एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल, डायपोल मोमेंट, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो कितनी है, कैलकुलेट की है हमने, पता है हमें, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, अगर हम इसको नीचे की साइड, इस इलेक्ट्रिक डायपोल को नीचे की साइड अलोंग एंगल थीटा इसको रोटेट किया जाए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या बन जाता है? ए टू बी टू बन जाता है। एंड ए टू बी टू के लिए ये पी पॉइंट क्या बन गया? ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बन गया पी पॉइंट। एंड ऑन इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो भी हमें पता है, ठीक है। यानी कि अब ये जो ए बी डायपोल है, ये तो हमने कलेक्ट किए हैं ए वन बी वन एंड ए टू बी टू, ये जो ए बी डायपोल है इसकी वजह से पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो इसके रिजल्टेंट होगी। ए वन बी वन की वजह से कितनी है, ए टू बी टू की वजह से कितनी है, दोनों से कैलकुलेट करके उसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो ए बी पे आपके पास आएगा। तो देखो ध्यान से, अब देखो पी हमें डायपोल मोमेंट पता है, ए बी डायपोल का, ए बी डायपोल का डायपोल मोमेंट है पी, लेकिन ए वन पी वन का डायपोल मोमेंट नहीं पता हमें, ना ही ए टू बी टू का डायपोल मोमेंट पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए आपको डायपोल मोमेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डायपोल मोमेंट देखते हैं कि ए वन पी वन डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या आएगा, ए टू बी टू का डायपोल मोमेंट क्या आएगा। इसको देखने के लिए आपको एक चीज समझनी होगी, क्या कि प्लस वन क्लास में हमने देखा था फिजिक्स में कि जो वेक्टर क्वांटिटी थी उसको हम टू कंपोनेंट में बांट देते थे, एक एक्स एक्सिस के लोग रहता था, एक वाई एक्सिस के लोग होता था, ठीक है। अब उसमें एक एंगल थीटा होता था, मान लो ये कंपोनेंट हमने ये ले लिया, ये कंपोनेंट, इसको कोई भी नाम दे दो, ए कंपोनेंट नाम दे दी, ए बन गया जैसे, इस ए कंपोनेंट, एंड ये ए कंपोनेंट जो इस ओ पॉइंट के साथ, ओ पॉइंट के साथ इंक्लाइंड एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है इस ओबी लाइन के साथ, ठीक। अब ए कंपोनेंट, ए जो आपके पास वेक्टर है इसको टू कंपोनेंट में हमने तोड़ दिया, एक कंपोनेंट आपके पास कोस थीटा का बनेगा, एक कंपोनेंट आपके पास साइन थीटा का बनेगा। अब ये कंफ्यूजन होती है कि कोस थीटा कौन सा हुआ, साइन थीटा कौन सा हुआ, तो ध्यान से सुन लो कि थीटा के साथ, थीटा जिस लाइन के साथ है, थीटा जिस लाइन के साथ बना हुआ है वो कंपोनेंट क्या बन जाएगा, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, यानी कि ये बन गया ए कोस थीटा, ए कोस थीटा, थीटा जिस लाइन के साथ है वो लाइन क्या बन जाएगी, कोस थीटा वाला कंपोनेंट, ए कोस थीटा। एंड थीटा से अलग जो लाइन है जिसके साथ थीटा नहीं आता वो लाइन क्या बन जाएगी, ए साइन थीटा, वो ए साइन थीटा। तो ऐसे यहां पे देखो पी वेक्टर है आपके पास डायपोल मोमेंट, इसको टू कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, देखो एंगल थीटा यहाँ पर बनता है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है अलोंग ए वन बी वन डायपोल मोमेंट का कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी कोस थीटा, पी कोस थीटा, ठीक है। एंड अलोंग ए टू बी टू डायपोल कौन सा कंपोनेंट आएगा, पी साइन थीटा, पी साइन थीटा, ठीक। अब हमें डायपोल मोमेंट पता लग गया अलोंग ए वन बी वन भी एंड अलोंग ए टू बी टू भी हमें डायपोल मोमेंट पता लग गया। तो अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखो सबसे पहले आपने लाइनें लिखनी है क्या कि लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 एट पॉइंट P ड्यू टू डायपोल A1B1, ड्यू टू डायपोल A1B1 E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट एनी पॉइंट P। एंड ये इस साइड आएगी, क्यों आएगी वो मैंने आपको बता दिया कि एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होती है हमेशा, ठीक है, अलोंग द डायपोल मोमेंट। तो ई वन की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सियल लाइन क्या थी, टू के पी अपॉन में एक्स क्यूब, टू के पी, यहाँ पे डायपोल मोमेंट लिखना है क्योंकि वहां पे तो डायपोल मोमेंट पी था, लेकिन अलोंग ए वन बी वन आपके पास डायपोल मोमेंट क्या है, पी कोस थीटा। तो यहाँ ये टू के पी कोस थीटा अपॉन में डिस्टेंस, डिस्टेंस आपके पास सेम है एक्स क्यूब, O से P तक की डिस्टेंस आपने एक्सेलेक्ट की, ठीक है। ये इवन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ गई।
अब E to electric field intensity, उसके लिए आपने अगेन एक लाइन लिखनी है क्या कि लेट E to be electric field intensity, E to क्या है electric field intensity है at any point P, at any point P due to dipole A to B two, due to dipole A to B two, A to B two की dipole की वजह से P point पे electric field intensity and electric field intensity इस साइड होगी E2, क्यों होगी वो मैंने आपको यहाँ बता दिया, डाइपोल मोमेंट इस साइड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होगी, ऐसे A2 B2 के लिए डाइपोल मोमेंट इस साइड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड होगी, क्योंकि P पॉइंट पे कैलकुलेट करना है तो P पॉइंट पे हमने इसको शो किया। तो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास कितनी आ जाती है, और इक्वेटोरियल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है के पी अपॉन में एक्स क्यूब, तो E2 की वैल्यू कितनी आएगी के P यानी कि डाइपोल मोमेंट अलोंग A2 B2 कितना है P sin theta, यहाँ पे आ जाएगा K P sin theta अपॉन में x क्यूब अपॉन में x क्यूब। देखो अब हमने तो ड्यू टू डाइपोल A भी निकाला, हमने ड्यू टू डाइपोल A2 B2 निकाला, A1 B1 निकाला, ड्यू टू डाइपोल A भी निकालने के लिए ये जो E1 एंड E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दो, इनका रिजल्टेंट आपको निकालना पड़ेगा E, ये भी हमने प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ है कि कोई पैरेललोग्राम जिसके टू साइड के अलोंग कोई भी दो वेक्टर आते हैं तो उसका जो नेट आता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई, वो अलोंग दी डायगोनल होती है, ठीक है, अलोंग दी डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, यानी कि ई इसके डायगोनल के अलोंग, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस साइड आएगी। एंड कैलकुलेट कैसे की जाती है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो भी हमने प्लस वन क्लास में पढ़ा हुआ है, कैसे कैलकुलेट होता है, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos, यहाँ पे एक एंगल लगता है cos, यहाँ पे एंगल हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो एंगल बना रहा है ये जो एंगल है वो अल्फा लेट कर दिया, 2 E1 E2 cos अल्फा, ये E1 एंड E2 के बीच का एंगल, तो 2 इवन ए टू कोस अल्फा हो गया, ठीक है। अब देखो सबसे पहले यहां से देखो कि अल्फा एंगल आपको देखने से क्या लगता है, ये इवन है इस साइड, ये ई टू है, दोनों क्या 90 के एंगल पे, यानी कि अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 90, ये एंगल कितने का हो गया 90 का हो गया, ये एंगल अल्फा की वैल्यू 90, यानी कि कोस 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, कोस 90, कोस 90 इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ये टर्म इसमें से निकल गई। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आ गया आपके पास, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपके पास ये आ गया। अब इसमें हमने E1 एंड E2 की वैल्यू पुट करनी है, E1 एंड E2 की वैल्यू क्या है, आपने पहले से ही कैलकुलेट की हुई है कि E1 एंड E2 की वैल्यू क्या है, तो देखो इसमें पुट किया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E1 की वैल्यू कितनी है 2kp cos theta अपॉन में x क्यूब, 2kp cos theta अपॉन में x क्यूब इसका स्क्वायर क्यूब, एंड ऐसे E2 की वैल्यू कितनी है आपके पास, kp sin theta अपॉन में x क्यूब, kp sin theta अपॉन में x क्यूब, ठीक। अब देखो यहां पे स्क्वायर, E2 का यहां पे स्क्वायर, तो यहां से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, k दोनों में कॉमन आता है, p दोनों में कॉमन आता है, नीचे x क्यूब दोनों में से, इस स्क्वायर रूट के आउटसाइड आप कॉमन लेके आओगे तो क्या कॉमन आ जाएगा, k p अपॉन में x क्यूब, क्या आ गया कॉमन, यहां पे क्या बच जाता है 2 cos थीटा का स्क्वायर प्लस यहां पे अकेला sin थीटा, sin स्क्वायर थीटा बच गया, इसको ओपन किया तो ये क्या बन जाएगा, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, के पी अपॉन में एक्स क्यूब, इसको ओपन किया तो ये क्या बनेगा, फोर कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको अगेन आप ओपन कर सकते हो, इसको पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, इसको पार्ट्स में डिवाइड किया तो देखो तीन को अलग लिख लो, एक अलग अलग लिख लो आप, ये कितना आएगा के पी अपॉन में एक्स क्यूब, तीन कोस क्यूब थीटा हमने अलग लिख दिए, एक कोस क्यूब थीटा अलग, प्लस में क्या था साइन क्यूब,
इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू वन होती है, तो यहाँ पे वन फुट हो जाए। तो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, के पी अपॉन में एक्स क्यूब थ्री कोस क्यूब थीटा प्लस वन है, ठीक है, के पी अपॉन में एक्स क्यूब थ्री कोस क्यूब थीटा प्लस वन आ जाएगी। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पी अपॉन में एक्स क्यूब कोस क्यूब थीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू वन होती है, पता टेंथ क्लास में पढ़ा था आपने। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बेसिक आपको पता लगी या होगा कि लास्ट वीडियोस की जो टू टॉपिक थे वो इसका बेसिक थे, वो आपको समझ आया तभी आपको ये समझ आ सकता है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए वो दो टॉपिक के साथ साथ ये डायग्राम समझना भी बहुत कंपलसरी है। इस डायग्राम में पी साइन थीटा पी कोस थीटा कहाँ से आया, ये ई कहाँ से आया, ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट होगी ये सब आपको समझना है। तो आज हमने एक टॉपिक पढ़ा है 12th फिजिक्स का। आगे की टॉपिक पढ़ने के लिए समझने के लिए कीप वॉचिंग एनपीएस मीडिया वाली। थैंक यू सो मच।